किया है। आपकी हंसी ने उड़ा है गम का लिबास। जब पंकज नहीं है आप तो क्यों है उदास? शुक्रिया। कॉफी? ओके। आपको पता है मिस्टर खान, आपकी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो ये है कि आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो। मिस्टर खान, जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तो ये कि हम जिंदगी के गमों के आगे अपनी खुशी को हार जाने दें, और दूसरा ये कि हम खुशी का हाथ थाम के गमों के साथ फाइट करें। मुस्कुराने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें फेस करने का करेज मिलता है। ट्रस्ट मी। हेलो, हेलो, शिरीन, सपना देखा क्या? वो पुपिल, मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। मुझे याद है, एक बार पहले भी तुम्हें ऐसे ही बुरा ख्वाब आया था। क्या बात है जोया, तुम्हें ऐसे ख्वाब क्यों आते हैं? कुछ है क्या? कुछ नहीं पुपिल। नींद से डिस्टर्ब किया, मैं ठीक हूँ, प्लीज आप लोग सो जाइए। देखो, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे उठा देना। सोचो। गुड़िया फैक्ट्री में सिर्फ एक औरत का कंकाल मिला है, और जब तक किसी को यह नहीं पता चलता कि वो औरत कौन है, हम महफूज हैं। और यकीन मानिए, ये बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन तुम तो कह रही थी कि दिलशाद के पास कोई सबूत है, अगर वो सबूत उसे हम तक ले आया तो? दिलशाद को सबूत मिलने और कानून तक पहुंचाने के दरमियान जरा सोचिए ना।
कि बेचारी दिलशाद के साथ क्या क्या हो सकता है। रजिया तुम समझ नहीं रही हो, अगर उस गुड़िया में किसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग हुई हो तो हम लोग फंस सकते हैं। जरा याद करो, उस रात को गुड़िया फैक्ट्री में राशिद के अलावा सिर्फ हम दोनों थे, और राशिद तो फैक्ट्री को आग लगा रहा था। अगर कोई आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं तो वो हम दोनों की होंगी। और क्या पता उस लाश के बारे में जो हम बात कर रहे थे और वो औरत कौन थी, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो गया हो। आप फिक्र मत करिए जी, मुझे नहीं लगता है कि जेल की आबो हवा मुझे रास आएगी। इसीलिए जेल जाने का मेरा तो कोई इरादा नहीं है। कोई और उस गुड़िया तक पहुंचे, इससे पहले मैं उस गुड़िया तक पहुंच जाऊंगी। मुश्किल आपके लिए, मेरे लिए वो बिटर और ब्लैक कॉफी बनाना, उससे ज्यादा मुश्किल मेरे लिए ये मिल्की कॉफी बनाना था। लीव मी। थैंक यू। पता है मिस फारूकी, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुस्कुराना बंद कर देंगे। मेरी लाइंस मुझे सुना रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। ऑडिशन है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपका दिल हल्का हो जाएगा। मिस्टर खान, मुझे बचपन से ऐसे ख्वाब आते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें आग लगी हुई है और मैं उस बिल्डिंग में हूँ। आई डोंट नो मिस्टर खान, पर वो हर जैसा मैंने बिहेव किया वो इट्स बिकॉज ऑफ फायर। मुझे आग में बहुत डर लगता है। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, पर अगर हुआ भी होगा तो तब हुआ होगा जब मैं बहुत छोटी थी। लेकिन किसी ने आपको इसके बारे में बताया तो होगा? आपके पेरेंट्स ने? मुझे अपने पेरेंट्स ठीक से याद नहीं है। मैं बचपन से अकेली हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी अम्मी चली गई। अपने अब्बू का तो मैं नाम भी नहीं जानती मिस्टर खान। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। 2 साल पहले मुझे पता चला कि वो जिंदा है और यहीं इंडिया में भोपाल में है। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स लेके यहाँ अकेली उन्हें ढूंढने आई और अब तक ढूंढ ही रही हूँ। नो, डोंट मिस्टर रन। मिस्टर खान, आपको कोई आइडिया आपने क्या पाड़ा? डू यू इवन नो व्हाट इट वाज? मैं नहीं जानती मिस्टर खान वो मुझे मिलेंगे भी या नहीं। जब मिलेंगे तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या? और आपकी अम्मी?
अम्मी भी मुझे ठीक से याद नहीं है। बहुत छोटी थी मैं जब मैंने उन्हें खो दिया। किसी ने उनके बारे में कुछ बताया भी नहीं, आप ही और जीजू ने भी नहीं, क्योंकि तब आप ही और उनकी अम्मी भी मेरी अम्मी के साथ कांटेक्ट में नहीं थी। आपको पता है मिस्टर खान, कभी अपनी अम्मी की कब्र पे नहीं गई, क्योंकि मैं यही नहीं जानती कि उनकी कब्र कहाँ है, कहाँ दफनाया गया मेरी अम्मी को। आप जानते हैं मिस्टर खान, मैंने ये बात आज तक किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि ये सब मैं किसी से शेयर कर सकती हूँ। पर आज, आज आपसे ये सब शेयर किया मैंने, शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि आप समझ सकते हैं। अल्लाह मियाँ, what's wrong with Mr. Khan? मैं अपनी लाइफ का पेन उनके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं मिस्टर खान को कभी नहीं समझ सकती। टमाटर जी, मम्मी ने ब्रेकफास्ट किया? जी भाईजान। नजमा, गुड मॉर्निंग। मिस फारूकी, सॉल्ट पास करेंगे? नजमा, प्लीज अपने भाईजान को सॉल्ट पास करना, प्लीज। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, क्या था? क्या था? एनीवेज प्लीज जल्दी खाइए, स्नैक्स भी बनाने हैं। आज घर में कुरान खुआनी है, बहुत सारे लोग आने वाले, काफी काम है। मम्मी भी इसलिए तैयार हो रही है, ठीक है? ओहो, मैं भाईजान को बताना ही भूल गई, आप प्लीज बता दीजिए। ओके, भूलना मत, मुझे काफी सारे कॉल्स करने हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ओके। या अल्लाह, कंबख्त कर क्या दिया तूने? अरे मेरे भाई ईरान से लेकर आए थे, कालीन इतना कीमती था और तूने पानी गिरा दिया। हाय अल्लाह, हाय हाय रजिया, ये क्या हो गया? राशिद भैया को पुलिस पकड़ के ले गई। जब से मैंने ये सुना है ना, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। अब मैं क्या करूं बताओ रजिया। तुम्हें रोना है हसीना, तो जरा कालीन से ना हट कर रो, कीमती है। ईरान से आया है।
क्या हुआ? हो गया अफसोस? अब ये ड्रामा बंद करो और जल्दी से बताओ कैसे आना हुआ। हाय अल्लाह, तौबा रजिया, आप कैसी बातें कर रही हो? अरे हमारे होने वाले सब भी जेल चले गए, हम अफसोस भी ना करें। खैर ये छोड़ो, ये सोचो रिश्तेदारी में पता चल गया तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। हाँ हसीना, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल है तो रिश्ता तोड़ दो और वो गाड़ी की चाबी मेज पर रखकर रवानगी डालो, लेकिन मेरे सामने ये ड्रामा मत करो। अरे रजिया, कैसी बातें कर रही हो तू? हाँ इतने दुख के वक्त में अपने लोग काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? हाँ मुझे बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि अपने ही काम आते। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए और जाओ यहाँ से। आए हाय रजिया, तुम ना कुछ उखड़ी हुई सी लग रही हो। खैर मेरे पास भी ना वक्त नहीं है। वो क्या है ना, मेरी इनकी बहन ना कुरान खाने पे जा रही थी तो मैं भी उसके साथ हो ली। फिर मैंने सोचा तुमसे मिलती हुई चलूं, क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ ना उस घर का ताल्लुक तुम्हारे घर से भी है। खैर अब तुम्हारे पास तो वक्त नहीं है इसलिए मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। कहाँ जा रही हो? असद अहमद खान के यहाँ, कुरान खाने पे। मैं मिस्टर असद अहमद खान के खिलाफ गवाही दूँ। आयान कैसे हो? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी पहचान। आयान मेरी बात, क्यों मिलना चाहते मुझसे? मिस फारूकी, आपको मेरे रूम में आने से पहले नॉक करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर आपको रूम नॉक करवाने का इतना शौक है तो उसे लॉक भी किया कीजिए। ओके एनीवे, मुझे भी यहां आने का कोई शौक नहीं है। पुप्पी ने घर में कुरान खानी रखी है, उसके लिए इन्विटेशन देने के लिए बोला था। What wrong with you? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? मैंने कुछ गलत किया क्या? अल्लाह मियां, आप मुझसे पूछ रहे हैं what's wrong with me? पहले आप बताइए what's wrong with you? मैं अब तक नहीं समझ पाई मिस्टर खान आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? You know what? आप actually emotionally challenged हैं। किसी भी एहसास को समझने की काबिलियत नहीं है आप में। आप जानते हैं मिस्टर खान, मैंने ये बात आज तक किसी से नहीं कही थी क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि कोई इसे समझ सकता है। मैं आपके साथ अपनी लाइफ का इतना बड़ा सीक्रेट शेयर कर रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद आप समझ जाएंगे। पर आपने क्या किया? आप वहां से चले गए। गुड, ऐसा कर सकते हैं आप क्योंकि आपके दिल में सीना नहीं पत्थर। या मिस फारूकी, आप गलत बोल गए। सीने में दिल होता, दिल में सीना नहीं होता। Whatever. Fault तो आप निकालेंगे क्योंकि आपको सब में fault नजर आता है, but strangely आप खुद में ही fault नहीं ढूंढ पाते। Please मिस्टर खान, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सराउंड बच चल रही, यहाँ ये और वहां आया ना। आप बात कर रहे थे मैं चली गई, आपको कैसा लगा? बुरा लगा ना? Very good, you deserve that.